आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मुंगेली जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के कन्हारपुर गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की टोनही होने के शक में गला दबाकर हत्या कर लाश को घर के बाड़ी में गड्ढा खोद के दफन कर दिया। जी हां, कलयुगी बेटे ने अपनी मां को करीब 10 वर्षों से यातनाएं दे रही थी। उसको शक था कि उसकी मां टोनही है और तंत्र मंत्र से अपने बहू को बीमार करती है, और इसी शक में उसने अपनी मां को गला दबा के हत्या कर दिया और घर के पीछे बाड़ी में दफन कर दिया था। परिजनों के ढूंढने पर जब नहीं मिला तो 4 जनवरी को उसकी गुमशुदगी की शिकायत उसके दामाद ने पथरिया थाने में दर्ज करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने गंभीरता लेते हुए जांच की। तब मामले का खुलासा हुआ कि अपनी मां को एक माह पहले ही गले दबा कर मार डाला है और गड्ढे में दफन कर दिया है। पता करने के लिए आया सर, ऐसे बाहर से सुना कि सास तो नहीं इसी की बोली, तो मैं घर माँ पता करे मोर पत्नी सारी और सारी वो कोटवार साहब तो पूछे कहाँ है मोर सास है, तो कि थे को नहूर में गए है। तो ठीक है, नहूर में महू गए हो गेच नहीं है, कहाँ है बता, तो कि थे वो कहाँ चल दे है, नहीं है तो हम पता करें साहब इतनी वो तिला तो कर बाद पता नहीं लगी इतना, तब फिर जाके गुमशुदा के नाम से रिपोर्ट करें। वो 8 दिन गुजर गए सर, उकर बाद फिर पता चली कि कोई जगह मोला दाब दे है, तो हमन कल फिर आए सर। कल आए तो पूछताछ करें घर में सारा और सरहजीन बहनी तीरा, तो कि थे नहीं जानन, तो मैं बोले फलाने जगह दाब दे है, सब पता चला थे हवा में, सब इती उती गुठिया थे, फिर भी नहीं बताई सर। तब फिर कल जाके हमन कोटवार साहब मैं और सालिल करके रिपोर्ट करे हैं सर। इसको पहले से ही प्रताड़ित करते थे इन लोग, कभी भी खाना पीना नहीं दिए, बेचारी इधर उधर करके जी रहे थे और शरीर से भी लोग था इसका सर। ये पथरिया क्षेत्र में कान्हरपुर गांव में एक 65 वर्षीय महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी 4 जनवरी को। उसके दामाद ने थाने में आके रिपोर्ट की थी कि उसकी सास कई दिनों से अपने बेटे के साथ रहती थी और गांव से गायब है। उसी पतासाजी पे हम लोग आगे बढ़ते हुए जब बेटे से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकारा कि उसने ही अपनी पत्नी के साथ मिलके और गला दबा के अपनी मां की हत्या कर दी थी और अपने घर के पीछे जो बाड़ी है वहीं पे गड्ढा खोद के उसको दफना दिया था। उसी की निशानदेही पे आज सुबह से ही पुलिस द्वारा वहाँ पर गड्ढा खोदा गया और करीब 4 फीट गहरे गड्ढे में बोरी के अंदर महिला का शव बरामद किया गया है। ये शव लगभग 15 से 20 दिन पुराना प्रतीत होता है। वर्तमान में शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स बिलासपुर भेजा गया है। इसमें लड़के के बयान लेने पर इस तरह की बातें सामने आई हैं कि उसे शक था कि उसकी माँ टोना टोटका करती थी और उसी के चलते इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, और घटना से पूर्व भी उसने अपनी माँ को घर में ही बंधक बना के भी रखा था, इस तरह की भी सूचना गाँव वालों के द्वारा दी जा रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की तफ्तीश की जाएगी। मुंगेली पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार और पूरी पुलिस की टीम पहुंचकर मौके आरोपी के निशानदेही पर गड्ढे को खुदाई करवाकर लाश को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और कलयुगी बेटे ने टोनही के शक में अपने बुजुर्ग मां की हत्या किया था। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेली से RNN News के लिए नीलकमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।